आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस रिवाइवल सीरीज के वेल्श रिवाइवल के प्रथम भाग में। वेल्श बेदारी में परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रथम व्यक्ति का नाम इवान रॉबर्ट्स था। इवान रॉबर्ट्स का जन्म 8 जून 1878 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1951 में हुई थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में कोयला खदानों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें सेवकाई के लिए अध्ययन करने का बुलाहट महसूस हुआ। उन्होंने स्वयं को बाइबल के अध्ययन में लीन कर लिया। जब बेदारी शुरू हुआ तब रॉबर्ट्स महज 26 वर्ष के थे। वह 13 साल से हर दिन इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के दास इवान रॉबर्ट्स की परमेश्वर के साथ एक उल्लेखनीय मुठभेट हुई और इसी मुठभेड़ ने उसे इस बात के लिए तैयार किया कि परमेश्वर क्या करने वाला था। इस बारे में इवान रॉबर्ट्स ने कहा, पिछले वसंत में एक शुक्रवार की रात जब मैं सोने से पहले अपने बिस्तर के पास प्रार्थना कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक अलौकिक जगह में ले जाया गया हूँ। यह ईश्वर के साथ संगति था। इससे पहले मेरे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी हुआ करता था। मैं उस रात डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। मैं काफी ज्यादा कांप रहा था। यह इतना तेज था कि मेरे भाई ने जागते हुए यह सोचकर मुझे पकड़ लिया कि मैं बीमार हूँ। उस अनुभव के बाद मैं हर रात 1 बजे के थोड़ी देर के बाद जाग जाता था। यह सबसे अजीब था क्योंकि वर्षों तक मैं चट्टान की तरह सोता रहा और मेरे कमरे में कोई भी हलचल मुझे नहीं जगा सकता था, लेकिन अब सब कुछ मानो बदल चुका था। हर रोज रात में 1 बजे के लगभग मैं अपने से उठ जाता। 1 बजे से लगभग अगले 4 घंटे के लिए मानो परमेश्वर के साथ एक अलौकिक अद्भुत संगति में मैं मौजूद हो जाता था। वह क्या था मैं आपको नहीं बता सकता, सिवाय इसके कि वह अद्भुत और अलौकिक और दिव्य समय था। लगभग 5 बजे मैं फिर से सो जाता और करीब 9 बजे सुबह मैं फिर से उठ जाता और लगभग 12 बजे तक सुबह के पहले घंटों की तरह ही परमेश्वर के साथ एक अद्भुत समय में संगति में मैं जुड़ा रहता। यह करीब 3 महीनों तक चला। मेरे प्रिय श्रोता, इवान रॉबर्ट्स एक शानदार वक्ता या उपदेशक नहीं थे, फिर भी उनके श्रोता उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका इतना प्रभावशाली होने का रहस्य क्या है? क्या यह विद्या है या वाक्यपटुता? कुछ भी ऐसा नहीं। उनकी शक्ति का रहस्य यह है कि वह विश्वास, प्रेम, उत्साह और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वह सरल, स्पष्ट और प्रभावी थे ताकि जो कुछ हुआ उसका सारा श्रेय और महिमा परमेश्वर को मिल सके। रॉबर्ट्स प्रचार अखबार के पत्रकारों से डरते थे और प्रशंसक तथा प्रशंसा से दूर रहते थे। यदि उसे कभी यह आभास होता कि लोग केवल उसे देखने या सुनने आए हैं तो वह पीछे हट जाते और उपदेश देने से इनकार कर देते थे। वे फोटो खिंचवाने से इनकार कर देते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि लोग मसीह पर नहीं पर उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पवित्र आत्मा तुरंत अपनी उपस्थिति वापस ले लेगा। वह आनंद से भरे रहते थे। किसी ने टिप्पणी की कि बेदारी की सबसे बड़ा खासियत या विशेषता प्रभु के दासों के अंदर आनंद और उज्जवल खुशी थी। यह टिप्पणी की गई कि उनके अभियान का सार ही आनंद है। इवान रॉबर्ट्स प्रार्थना करते समय मुस्कुराते थे, उपदेश देते समय हंसते थे। वे पुकारते हुए कहते थे, आह क्या ही भव्य और आनंदित जीवन है ये। वह पुकारते हुए कहते थे, मैं खुश हूं, इतना आनंदित हूं कि मानो मैं हवा में चल रहा हूं। ये था कुछ अद्भुत बातें वेल्श रिवाइवल से जुड़ी हुई। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका अगला भाग भी सुनना चाहते हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीषित करें।